हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये जो आपने टाइटल पढ़ा ही होगा, ये मैं केज एडिट का सेकंड पार्ट डाल रहा हूँ और फाइनल पार्ट डाल रहा हूँ। इसके अंदर हम लोग बाकी के जितने भी ऑप्शंस है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें कुछ रह जाता है या आपको कुछ क्यूरीज आती है तो मैं अलग से इसका और एक वीडियो बना लूँगा जिसके अंदर सारे क्यूरीज हम लोग दूर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपने फर्स्ट वाला पार्ट तो देखा ही होगा, तो उसके अंदर आपको पता चला होगा कि केज एडिट कमांड क्यों और कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। अभी हम इसके अंदर थोड़े एडवांस ऑप्शंस देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में आप देख सकते हो कि मैंने एक सॉलिड पार्ट्स बना के रखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो केज एडिट है, अपन कर्व के ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ, सरफेस के ऊपर भी और सॉलिड के ऊपर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलो इसका स्टार्ट करता हूँ मैं। ये टॉप व्यू से है, मैं अभी केज एडिट की कमांड देता हूँ यहाँ पर। केज एडिट बाउंडिंग बॉक्स के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया। अब लाइन, रेक्टेंगल, बॉक्स ये हम लोग देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं, लाइन देखता हूँ मैं। लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है। लाइन पे क्लिक कर लिया मैंने और आप जैसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। डिग्री और पॉइंट्स लिख दीजिए। अगर पॉइंट्स आपको ज़्यादा देने हैं ताकि आपको अच्छे से और एडिट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप पॉइंट्स ज़्यादा दोगे तो उतने ही ज़्यादा जो केज एडिट करने के बाद में पॉइंट्स बनेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा बनेंगे और फाइल हेवी होगी। तो अगर आपका पीसी या लैपटॉप उसके हायर कॉन्फ़िगरेशन का नहीं होगा तो आपको काफ़ी मतलब काफ़ी स्लो चल सकता है आपका, या फाइल बंद हो सकती है या रिस्टार्ट करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैं अभी तो 4 ही लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको करना है तो यहाँ पर से आप क्लिक करके 4 या 5 जो भी देना है आप देखिए एंटर कर लीजिए, तो इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। अब राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, ग्लोबली जनरेशन देना है। रीजन एडिट का जो रीजन है वो ग्लोबली दे दिया मैंने। अब देखिए ये आगे लाइन और इसके साथ में पॉइंट्स आए, तो ये देखिए मैं अभी इसको एडिट करता हूँ। ये देखिए एडिट हो गया है यहाँ पर। अगर आपको जिस तरीके से चाहिए वैसे आप एडिट कर सकते हो। ये देखिए, और जैसे मैं यहाँ से अगर मैं फ्रंट से या राइट से अगर मैं मूव करता हूँ, ये देखो, तो इस तरीके से हम इसको और एडिट कर सकते हैं। ये देखो, तो दोस्तों ये एक छोटी सी कमांड है, मतलब ऑप्शन है इसका। तो आप इसको मैन्युअली, जैसे आपको कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है कि जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, तो आप बना सकते हो और इजीली मूव कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए आप कि जैसे आपने यहाँ से अगर ये जो मेन ऑब्जेक्ट है, मतलब चाइल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, और चाइल्ड ऑब्जेक्ट को अगर आपने मूव कर दिया और इसके बाद में आप चाहते हो कि उसका केज एडिट करूँ, तो देखिए नहीं होगा, तो इसकी हिस्ट्री जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए मैं अंडू करके बेसिक जहाँ था मैं स्टार्ट किया था वहाँ पे आ गया मैं, और उसके बाद में मैं देखता हूँ केज एडिट के बाद में केज एडिट लाइन। अब रेक्टेंगल का देखते हैं, तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। सेम पॉइंट्स यू एंड वी, मतलब वर्टिकल और ओरिजेंटल के पॉइंट्स कितने चाहिए वो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट है ये ग्लोबली रखना है हमें, ठीक है दोस्तों। ये आ गया है रेक्टेंगल, ये देखिए। अब पहले बॉक्स आया था, अब रेक्टेंगल आया। पहले जो स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट वीडियो में जो था, इससे पहले वाले वीडियो में केज एडिट के, तो इसके अंदर हमें बॉक्स मिला था उसके अंदर। अभी यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो बेसिक एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का मैंने एडिट कर लिया है। अभी आप देखिए मैं इसको मूव करता हूँ सिलेक्ट करके, ये देखिए। आप चाहिए तो इसको ट्विस्ट भी कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको एडिट भी कर सकते हो, और अगर आपको बेंड करना है या जैसे आपको थोड़ा सा स्केल करना है तो आप इस पॉइंट्स को पकड़ के ही आप स्केल वगैरह कर सकते हो। ये देखो,
और आप इसको बेंड करना चाहते हो तो बेंड कर लीजिए। बेंड सिमेट्रियस, ये देखिए इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हो इस कमांड को। तो मैं बैक टू द बेसिक जहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, फिर से एक बार केज एडिट कमांड लेता हूँ। बाउंडिंग बॉक्स के बाद में एक बॉक्स आता है। बाउंडिंग बॉक्स में बॉक्स डायगोनल लेना है, थ्री पॉइंट से लेना है, वर्टिकल लेना है, सेंटर से लेना है, वॉट एवर, मतलब बॉक्स आप डिफाइन कर सकते हो। डायगोनल ले लेता हूँ, ये देखिए ये ऐसा बॉक्स, और आपको यहाँ से भी ऐसे पॉइंट्स पूछ रहा है तो जो है बाय डिफॉल्ट ले लेता हूँ। और राइट क्लिक, ये देखिए ये आ चुके मेरे। अब आपको इसको जैसे एडिट करना है तो आप इसको इस तरीके से एडिट कर सकते हो। ये देखिए कमांड काफ़ी इजी है, बस आपको यूज़ कैसे करना है उसका तरीका आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको इसके अंदर गाइड कर सकता हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में या मेल ईमेल पे मुझे मेल कीजिए अगर आपको कोई इशू है तो। बैक टू द बेसिक्स, मैं फिर से जहाँ अपना था वहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब और क्या है और देखते हैं हमें केज एडिट। इसमें डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन एक्यूरेट, इस मीन्स अगर फास्ट मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब एक्यूरेंसी नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है, मतलब आपको पॉइंट्स एडिट कर रहे हैं हम लोग तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, प्लस माइनस मीन्स कर्वेचर इतना अच्छा नहीं आएगा तो भी चल जाएगा। तो आप इसको फास्ट कर सकते हो जिससे आपका मतलब लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा कंप्यूटर पे, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करेगा वो, मतलब इतना एक्यूरेट नहीं करेगा। तो फास्ट ले लिया मैंने, समझ लीजिए, देख लेते हैं, सॉरी डिफॉर्मेशन फास्ट बाउंडिंग बॉक्स, समझिए बाउंडिंग बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ तो देखिए ये एक नॉर्मली सेम वही है, बस आपको जब आप कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है इतना परफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स थी, मतलब ऑप्शंस थे, डीप ऑप्शंस थे जिसके अंदर हम केज एडिट का यूज़ करके कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और मुझे बतानी है, जैसे कि अब मैंने आपको उस दिन सॉरी पीछे वाले वीडियो में आपको मैंने दिखाया था, इसमें मैंने एक कर्व ड्रॉ किया था, यहाँ पे ट्रिम किया था मैंने और एक कर्व बनाया था जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी हमें। तो मैं इसका एक सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, समझ लीजिए मैं आईडी ड्रॉ करता हूँ अंदर का जो है, प्लस बाहर का भी मैं ड्रॉ करता हूँ बेसिक जैसे हम लोग करते हैं, और इसको स्केल टू डी करके मैं इसको आउटर बना लेता हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ अब इसको रिबिल्ड कर लेता हूँ, क्यों रिबिल्ड करना है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखिए इसके पॉइंट्स बहुत कम है तो सरफेस भी मुझे सरफेस बनाना है, तो मैं इसको अभी रिबिल्ड कर लेता हूँ 10 पॉइंट्स से, ओके 10 पॉइंट्स, ओके। और लोफ्ट कर लीजिए या स्वीप टू बहुत इजी होगा, या लोफ्ट भी इजी होगा, मैं स्वीप टू करता हूँ यहाँ पर, स्वीप टू रेल, और दोनों रेल सेलेक्ट है, क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया मैंने, ये देखिए ये आ चुका है। अब मुझे इस कर्व की ज़रूरत नहीं है तो मैं इस कर्व को ग्रुप करके हाइड कर देता हूँ या डिलीट कर लीजिए एज यू विश। तो अभी देख लेता हूँ कि कौन से लोकेशन पे कैसे है, ये देखिए ये परफेक्ट सेंटर में आया है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका सेंटर में ही हो, आप अगर आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, इसे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे इसको सिर्फ फ्रंट से ही करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ कोई इशू नहीं है।
तो मैं भी सेंटर में रखता हूँ और इसमें मैं वायर फ्रेम में जाता हूँ तो थोड़ा इजी होगा मुझे। और अभी मैं इस कैप्टिव ऑब्जेक्ट को, मतलब जो मेरा जिसको एडिट करना है उसको सिलेक्ट करके केज एडिट से स्टार्ट कर देता हूँ और सिलेक्ट कंट्रोल ऑब्जेक्ट। अब इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है मुझे, सिलेक्ट करना है सिर्फ सरफेस को। ध्यान दीजिए कि मुझे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ सरफेस को सिलेक्ट करना है। ये एक ही सरफेस है, ये देखिए अब ये सरफेस गायब हो गया, उसे आउटलाइन बची है, मतलब वायर फ्रेम से ऐसा बचा हुआ है इसका। तो ये अभी कंट्रोल ऑब्जेक्ट हो चुका है इसका। अब रीजन एडिट देखिए, इसके देखिए पॉइंट्स बहुत सारे आए हैं। तो अभी ये पॉइंट्स एडिट करने जाओगे तो काफ़ी तकलीफ होगी आपको, मतलब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप करके देख लीजिए कि अगर आप ना इसको सक्सेसफुली कर पाए तो मैं मान जाऊँगा आपकी स्किल को, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना केज एडिट में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बेस्ट वे है कि आप इसको अवॉइड करें। तो मैं फिर से अंडू करता हूँ, इस सरफेस के पॉइंट्स देख लेता हूँ मैं कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। ये देखिए इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं इसको रिबिल्ड कर देता हूँ, फिर से रिबिल्ड। और 10 पॉइंट्स ले लेते हैं और इसके कम कर सकते हैं जितने कम कर सकते हैं, व्यू देख लेता हूँ। ओके ठीक है, अब इसके पॉइंट्स ऑन करके देख लीजिए। हाँ अभी ये काफ़ी कम पॉइंट्स है और काफ़ी साफ सुथरे और अच्छे से हैं समझ लीजिए। तो अभी मैं इसको केज एडिट करता हूँ, केज एडिट राइट क्लिक। अब देखिए अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, अब मेरी जो सरफेस है यहाँ पर से डिफॉर्म हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करके भी नीचे ले सकता हूँ, देखिए इस तरीके से आप आपकी जो ज्योमेट्री है। अभी देखिए इसमें आपको जो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कुछ मार्क्स आ रहे थे या सरफेस अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा था, कि मतलब आपको मैच नहीं हो रहा था या मतलब जैसे कुछ क्रैक्स जैसा लग रहा था, तो वो चीज़ें यहाँ पे इस ऑप्शन में या इस स्टाइल में या इस ट्रिक में नहीं होंगी। बस आपको दोनों साइड थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा रखना पड़ेगा कि आपको कौन सा पॉइंट कहाँ पे खींचना है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, तब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे इसको। तो जैसे मैं इसमें ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी जितनी तकलीफ़ होगी, उतने कम पॉइंट्स होंगे तो शेप भी परफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों ये केज एडिट का मेरे तरफ से आपके लिए ये क्लियर हो चुका है कुछ ऑप्शंस। अगर आपको और पूछने हैं इसके अंदर या और कुछ क्यूरीज पूछनी है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स करें या आप मुझे मेल करें। थैंक यू वेरी मच। और ये मैंने कंटिन्यूसली इसलिए डाला है वीडियो बैक टू बैक क्योंकि ये इसी का पहला पार्ट आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, और ये नेक्स्ट पार्ट है तो आपको कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये कंटिन्यूसली डाला है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है मैं कंटिन्यू करूँगा, जो पुराने हमारे बाकी हैं बुलियन डिफरेंस एंड नेटवर्क वगैरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस बाकी हैं, तो उससे कंटिन्यू करेंगे। और कॉलेट्स मीन्स आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी मैं बना के दिखाऊंगा। एक मैंने कम्युनिटी में मैंने डाला हुआ है, एक पिक्चर डाली हुई है, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ उस पिक्चर को। ये देखिए इस पिक्चर को डाला हुआ है मैंने, तो मैंने लिखा हुआ है अगर आपको ये ज्योमेट्री ड्रॉ करके दिखनी है, मतलब आपको इसको सीखना है कि इसको कैसे बनाएंगे, किस ऑप्शन से बनाएंगे, और
किस तरीके से इसको फ्लोज एंड ये जो ट्विस्ट है और ये जो स्पाइरल वाला लुक है ये कैसे देंगे, तो आप मुझे कमेंट और मेल या लाइक ज़रूर कीजिए। और ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, एटलीस्ट 100 अगर रिस्पॉन्स आपके आएंगे तो मैं इसको इसका वीडियो बना के ज़रूर आपके लिए डालूँगा इस पे मेरे चैनल पे। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्ट मी। आपको आपकी नज़र में कोई और जो है, या फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, या कलीग्स है, या जो भी मतलब आपको सीखना चाहता है, तो उसके लिए आप इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उसको भी यूज़ हो इस चीज़ का और वो भी सीखे। और भी कुछ आपको क्यूरीज है अलग सॉफ्टवेयर्स में हो या कुछ भी हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको राइनो का ही पूछना है। तो लाइक मैट्रिक्स, राइनो गोल्ड, और आपको अलग और किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, अगर पता नहीं होगा अगर मैं कुछ ढूंढने की कोशिश करूंगा और आपको राइट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। और अगर नहीं मिला मुझे या मैं कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैं आपको उस तरीके से बताऊँगा। लेकिन ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, बाय।